बसमर असल नाजी मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों पाकिस्तान की सियासी सूरत इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और इस तेज़ी के साथ तब्दील होती सूरतहाल के अंदर दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बाद एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टैब्लशमेंट का इंतहाई खास बंदा अहम तरीन शख्सियत तो उनके मतलब इतलात पहले पाकिस्तानी इस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा भी रहे जी एच क्यू के खास बंदे समझे जाते हैं उनके मुतक तलात हैं कि उन्होंने अड्याला जेल का विजिट किया और वहां मुबीना तौर पर उनकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबरा इमरान खान से चंद मिनट पर मुश्तमिल मुलाकात हुई जरा क्या दावा करते हैं इस मुलाकात के हवाले से वो तफसीत आपके सामने रखेंगे तौर पर एक ऐसे माहौल के अंदर के जब कोशिश की जा रही थी कि नून लीग को नवाज शरीफ को मरीम नवाज को पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात बनाकर पेश किए जाना का जो है वो तासर मीडिया के ज़रिए उभारा जाए उसमें मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई और ख़ास तौर पर आज लाहौर में मरीम नवाज का होने वाला जलसा अब तक मुकम्मल तौर पर नाकामी का मुंह बोलता सबूत है इस माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया की जानब से खुफिया सिग्नल भी भिजवाए भी जा चुके हैं ये होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स इंतहाई अहम है इनकी तरफ लेकर बढ़ते हैं आपको आगे चलते हैं माजी में पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाली सियासी जमात जमात इस्लामी के सेनेटर सेनेटर मुश्ताक के आज के ताज़ा तरीन बयान ने इनकशाफ ने इस वक्त इस, ल, इस वक्त इस्लामाबाद में आग लगा दी है और इमरान खान के मौक़ की भरपूर ताइद हुई है और एक एक करके वो तमाम किरदार आवाम के सामने नंगे हो रहे हैं माफ़िया हैंडलर्स और सहूलत से ताल्लुक़ रखने वाले कि जिन्होंने इमरान खान की कानूनी और इमरान खान की आइनी हुकूमत को गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से बैरूनी साजिश के नतीजे में अंदरूनी सहूलत के साथ मिलकर ख़त्म किया तो जनाब सनेटर मुश्ताक अहमद साहब का बयान आया कि जनरल बाजवा की तोसी के लिए पीपल्स पार्टी नवाज लीग और जनरल फैज हमीद ने रब्ता किया अब जो लोग इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो जरा उनके इस बयान को ग़ौर से सुन लें यह भी घर के बेटी समझे जाते हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर एक तनकीद किसी मखसूस एजेंडे के तहत कर रही थी इमरान खान के दौरेकूमत में और उसके बाद फिर क्या हुआ जो टोला पाकिस्तान के अंदर मुसलत किया गया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इकानमी तबाह की जा चुकी गुजशत बीस माह के अंदर अठारह माह पी डी एम के और अब तक के दो माह जो इस हकूमत के निगरान हुकूमत जो पी डी एम हुकूमूत का खुफिया सहूलत का ही तसलसल है और बज़ाहिर डॉलर की कीमत को दो सौ नब्बे रुपए कर लाने का ढंडोरा पीट कर आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है यही प्राइस थी मशनूरी तरीके से तीन सौ तीस तक ले जाया गया इंटर बैंक में उस वक्त भी तीन सौ पाँची थी जब ओपन मार्केट में तीन सौ तीस का ढंडोरा पीटा गया और उसके बाद इकदाम उठाकर जब ये वापस दो सौ नब्बे के ऊपर आई जो है ही वहीं थी तो उसके बाद अब इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है लेकिन उस इस दौरान पाकिस्तानी इकानमी को नाकबले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया पेट्रोल बत्तीस रुपए बढ़ाकर सात आठ रुपए कम करके हातिम ताई की कब्र पर लात गई लेकिन इस दौरान महंगाई में जितना होलनाक खौफनाक इजाफा हो चुका है अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है वो भी तन मन और धन का रिश्ता बरकरार रखने के लिए उसे सख्त तरीन मुश्किल का सामना है और जायज़ जराइज से अपनी जरूरियात को पूरा करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है अब इस माहौल के अंदर माफ़िया हैंडलर्स और सहूलत की पूरी यह कोशिश थी कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात और पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान को दीवार से लगाया जाए इमरान खान को पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पाकिस्तान के इंती अमल से माइनस किया जाए और ऐसी सियासी जमातों को आगे लगाया जाए आगे लाया जाए जिनकी आवाम के अंदर जड़े नहीं जिनमें नवाज़ लीग है पीपल्स पार्टी है यही जमात इस्लामी है जमीयतलमा इस्लाम जिसके कायद मुल्ला फजल ने एक बार फिर बाकायदा एजेंडे के तहत इमरान खान के खिलाफ उन्हें खोल दिया गया है मुसलसल पिछले तीन दिन से जो उनकी बयानबाजी है आज मौसू ने कल मौसू ने यह कहा कि इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक को पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए एक नन्नी मुन्नी सी उन्होंने ये जो फरमाइश की है ये फरमाइश यकीन उन खुफिया हाथों से है कि हमारे लिए रास्ता साफ़ करें और आज इनका यह बयान कि जनाब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पाकिस्तान इंसाफ की वजह से हैं तो गोश गुजार ये करना है याद आपको ये कराना है इमरान खान के खिलाफ सा तो आपने दो हज़ार उन्नीस से शुरू कर दी थी जब अभी इमरान खान की हकूमत को आए छ माह भी नहीं हुए थे और आपने धरने का आगाज करते धरने की तारीख का ऐलान किया और एक साल बाद जब आप सहूलतकार बने तमाम तर चीज़ों पर बाजवा साहब और फैज़ अमीद साहब का क्या किरदार रहा वो भी सामने आ गया जब आप अपने उस धरने के अंदर बज़ाहिर इन्हें ललकारा करते थे हामिद मीर साहब आपके धरने के अंदर शिरकत किया करते थे जो कि डेफिनेटली कहाँ से बोला करते थे वो सबको इस बात का अंदाज़ा है इसी दौरान नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स गिरते गए इसी दौरान हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाकर नवाज़ शरीफ को बाहर भिजवाया गया जनल बाजवा की तोसी हुई आपने उसमें सहूलतकारी की इस हवाले से आपके जो गफूर हैदरी साहब हैं उनका भी एक बयान इससे पहले सबूत के तौर पर सामने रखा जा चुका है इसी प्लेटफॉर्म के अंदर तो जनाब इस माहौल के अंदर आज आपका ये कहना कि इमरान ख़ान की वजह से ये हालात हैं पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ नहीं है वो इन तमाम चीज़ों को समझते हैं कि आप किन के हाथों में 2019 हज़ार से खेल रहे थे और आपने बाकायदा तौर पर सहूलतकारी की पाकिस्तान की चलती मैशत पाकिस्तान की चलती हुकूमत को तबाह कर दिया जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई इकानमी छः फीसद की रफ़्तार से तरक्की कर रही थी मुल्क में महंगाई काबू में थी पेट्रोल की कीमतें डॉलर की कीमत काबू में थी आज देखिए डॉलर एक से 300 के करीब जा पहुंचा पेट्रोल की कीमत 150 से जो है वो सवा तीन सौ रुपए तक जा पहुंची और आप कह रहे हैं कि मुल्क में ये सब कुछ इमरान ख़ान की वजह से है आप आवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते जो आपने बेवकूफ़ बनाना था वो शायद अक्टूबर तीस दो हज़ार ग्यारह का जो जलसा था उससे पहले आप बना चुके लेकिन तीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह के पाकिस्तान तरीक़ के इमरान खान के लाहौर के होने के लाहौर के अंदर होने वाले जलसे के बाद पाकिस्तानी आवाम जाग चुकी है आज पहले जो मरीम नवाज़ को और नवाज शरीफ को जिंदा करने की कोशिश की गई वो थोड़ी सी फुटेज आपके सामने रखते हैं फिर आपको बताते हैं कि नवाशीफ के हाथ में जो बयानियां दिया गया था वो हुआ क्या पहले तो जनाब आप ये वीडियो देखिए ये वीडियो हम आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त ये ताज़ा तरीन वीडियो है अंधेरा होने का इंतजार किया जा रहा है एक छोटी सी गली है इस गली के अंदर ये नून लीग का जलसा थोड़ी जरा देखिए गौर से कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं मेरा ख्याल है कोई बहुत किया जाए ना तो यह बहुत अगर इनको कोई लेवरेज भी दे दी जाए ना तो ये शायद कोई एक हज़ार के करीब कुर्सी भी नहीं है एक हज़ार भी ज़्यादा हुआ करता है ये तो मुझे पाँच सौ के करीब कुर्सी भी नजर नहीं आ रही तो जनाब मरीम नवाज का जलसा मुकम्मल तौर पर फ्लाप और उसके बाद फिर इस किस्म की खबरें भी हालाँकि इससे पहले हम आपको तलाद देते रहते हैं आप तक तो गोश गुजार करते रहते हैं लेकिन इस जलसे के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें वायरल हैं के एक दो दिन पहले इमरान खान को अडयाला जेल में पहुँचाए जाने के बाद मुबी तौर पर मोहम्मद अली दुरानी जो कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के, के करीब समझे जाते हैं पहले से एक्टिव हैं उन्होंने और सबक आर्मी चीफ आमिर पाकिस्तान के जनरल जयाक़ उनके साहबज़ादे एजाजल्लाक की मुलाकात के हवाले से मुबीना जो खबरें हैं वो गर्दिश में इस मुबी मुलाकात के हवाले से और कहा गया है कि एक बार फिर इनके ज़रिए इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई क्या कहा गया इस मुलाकात के अंदर इमरान ख़ान ने क्या आगे से जवाब दिया उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखे रखते हैं लेकिन पहले आपको ये जरा बयान दिखा देते हैं नून लीग का जो नवाज शरीफ ने बजाय बनाने की कोशिश की लेकिन उसके बाद हालात जब उनको नजर ये, ये, ये से सुनिए नवाज शरीफ से लेकर और हिसाक डार तक ये सिर्फ दस दिनों के अंदर क्या हुआ सितम्बर के ये सारे बयान से सुनिए जी तो चार जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैं वजी को चलता करते हैं और किसकी वजह कौन पीछे उनके उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे बिल्कुल पहुंचेंगे हम तो अपने साथ होने वाले सलूक का किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए हम तो डिमांड आज कर रहे हैं और पूरे जोर से कर रहे हैं कि 9-10 मई के किरदारों को आप कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे ये है नवाज शरीफ का मुकदमा तो आप कह रहे हैं होगा बाजवा साहब का मैंने तो नहीं कहा फैसला जो है है, वो जब इलेक्शन होंगे उसके बाद क्या होता है अक्सरियत जो है वो ये समझती है कि ये नारे पिट चुके हैं इसके ऊपर कई दफा पहले लोगों के साथ हाथ हो चुका है तो इसलिए शायद आम आदमी जो है वो इस मरतबा इस तरह के जज्बाती नारों पे जाने की बजाय वो ये कहेगा की मुझे बताएं कि जिन हालात में मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुझे यहाँ से किस तरह से रिलीफ मिले पाकिस्तान के तमाम अदारों में खुद एहतसाबी का एक तरीकाकार मौजूद है कोशिश की जाए के उन अदारों के अंदर खुद एहत का जो तरीका कार है वो अमल में आ सके आप हामी है कि दोनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए चले किसी को गिरफ्तार करे ना करें सजा दे ना तो सामने जो है ये बिल्कुल ये चीज जो है ये सब वाजे होनी चाहिए उस दिन मियाँ नवाजशिफ साहब कहाँ पे किस से क्या गलती हुई तो वो ये डिस्कस कर रहे थे उसमें दो तीन नाम भी आ गए अब हमारे ऊपर शायद ये फर्ज कर दिया गया है की हम अब जब भी बात करेंगे उनके नाम जरूर लें समझते हैं कि जर्ण जर्ण जो किरदार उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए मैं अपना मामला अल्लाह के सपुर्ट करता हूँ वो है मियाँ नवाज शरीफ का दिल और वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच लीडर बयानिया तय करता है और लीडर ने तो आज नहीं बीस सत्रह में कह दिया था मैं अपना मामला अल्लाह के स्पूर्द कर दिया जी पहले बयानिया बनाने की कोशिश की गई और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब हमने तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो जनाब मामला कुछ यूँ है कि बात बन नहीं पाई नवाज शीफ साहब के बयानी की पूरी कोशिश की गई इसी दौरान वो सर्वे के अदादोशुमार लीक हो गए वो सामने आ गए कि जनाब नवाज शरीफ तो उस वक्त किसी जगह खड़े नहीं हुए इमरान खान पाकिस्तान तरीके सबसे ज़्यादा मकबूल हैं फिर इसी दौरान एक और अहम दरीन डेवलपमेंट हुई आपने देखा होगा कि काजी फ़ायजी साहब जिन्होंने सत्रह सितम्बर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उदा संभाला गुजशत चौदह दिन के अंदर जितने केसेज़ उन्होंने ले जो है वो लगाए दीगर केसेज़ के अलावा जिनका पाकिस्तान की सियासत के साथ ताल्लुक़ है प्रोसीजर एक्ट वाला हो गया या फिर फैज़ाबाद धरना केस वाला या दीर मामलात हो गए उनमें से नाइन्टी नाइन परसेंट केसेज़ वह हैं कि जिन में काजी फ़ायज़ ईसा साहब का माजी में अख्तलाफी नोट सामने आया या फिर काजी फ़यज ईसा के जो सबका फ़ैसलों से मतलब ये मामला थे काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब अभी तक सिर्फ उन केसेस को लेकर के आए हैं ये बाकायदा तौर पर एक सिग्नल है एक खुफिया सिग्नल है पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को भी कि बज़ाहिर तो ये कहा गया जनाब कि शायद फैज़ाबाद धरना उस केस को लेकर आ जाएंगे तो जनरल फ़ैज़ अमद और जनरल बाजवा का जिक्र होगा नवाज़ शरीफ ने भी इसके ऊपर अपनी कहानी डाल दी लेकिन उसके बाद फिर जब डंडा ज़रा घूमा तो शहबाज शरीफ भागम बाग पहुँचे और कतर एयरवेज़ की हंगामी फ्लाइट के ज़रिए और फिर वो जो कहा करते हैं कि हम बड़े इंकलाबी हैं उनका इंकलाब सा किस तरह वो क्या कौन सी झाग होती है मैं नाम नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा फ़लाँ की झाग की तरह बैठ गया इनका इंकलाब ये वीडियोज़ मैंने इनकी आपके सामने रखी और फिर जनाब जो ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद इसलिए इन केसेस को लेके आ रही है कि कोई एहतसाब करना चाहती है उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो गया जब पाकिस्तान तरीके साफ खड़ी हो गई ना कि जी बिल्कुल एहतसाब करें जनरल फैज़ हमीद का और जनरल बाजवा का तो उसके बाद ये ख़बरें आना शुरू हो गई पहले से हमें इस बात का पता था इस प्लेटफॉर्म पर हम बता चुके हैं के कि ये केस भी टेकअप किया जाना एक बयानिया बनाने के लिए था नवाज़ शरीफ के और जब इमरान खान ने कहा मास्टर कार्ड अपना खेला कि ठीक है कीजिए तसाब तो उसके बाद फिर जनाब यहाँ भी सब कुछ जो है वो झाग की तरह बैठ गया और अब ये ख़बरें आ रही हैं बाजार पता भी चल रहा है कि रमाक्स वक्स खेला जाएगा मकसद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक माहौल पैदा करना है कि इमरान खान ने जनाब दो हज़ार चौदह में हालाँकि दो हज़ार सत्रह के धरनों का जिक्र था टी एल पी के धरनों का जिक्र था नून लीग की हुकूमत थी पंजाब के अंदर राना स्ना है सब कुछ वहाँ से धरना चलता है खादम रिजवी साहब का इस्लामाबाद पहुंच जाता है रास्ते बंद हो जाते हैं रास्ते में कहीं पंजाब पुलिस नहीं रोकती तो राना स्ना सब क्या किरदार अदा कर रहे थे किन के कहने के ऊपर कर रहे थे जरा मंजी तलें डांग फेरें छोड़े इमरान खान की बात ना करें और ये उनको ले गए दो हज़ार चौदह के धरनों की तरफ के जनाब क्या हो गया अफलां हो गया अफला हो गया तो जनाब आप इनका नाम ले रहे हैं तो 2014 में अगर आपके खिलाफ कोई इस किस्म के धरने हुए थे तो फिर उनका किरदारों का नाम लेना आप कह रहे हैं जो आप कहा करते थे जी शुजापाशा ने कराया फ्लां ने कराया वो तो साबित हो चुका कि शुजा पाशा साहब ने जरदारी साहब को फ़ोन करके उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी बकोल हामिद मीर के जरद हामिद मीर ने ट्वीट भी किया कि जरदारी साहब ने उन्हें बताया कि जवाब पाशा ने कहा कि मुझे तो क्या साहब ने कहा था और जो कुछ इफ्तार चौधरी साहब ने मेमो कमीशन बनाया जिसके काजी फायसर साहब सरबरा थे और मेमो के हवाले से भी जो कुछ हुआ वो तो माजी की तारीख़ में फिर जाना पड़ेगा ना जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इफार चौधरी साहब चीफ़ जस्टिस थे तो तमाम तर चीज़ें इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के सामने हैं यह है वो माहौल के जिस माहौल के अंदर फिर इमरान खान के तरले किए जा रहे हैं इमरान खान की मिन्नते की जा रही हैं एक्सक्लूसिवली जो हमारे इजरायल से हम तक खबर पहुंची वो फिर एक बार यही थी कि जनाब चलें, आप रजीम चेंज ऑपरेशन का जो मामला है उसके ऊपर अपने मौकफ के अंदर नरमी लेकर आएं। और इसी तरह से नौ मई के जो मामलात हैं उसके ऊपर अपने मौक़ के ऊपर नरमी लेकर आएँ क्योंकि कल फिर इमरान खान ने सवाले से ट्वीट भी किए सबूत भी रखे तो ये कहा जनाब के इसके इससे आपसे कुछ तय नहीं करते चलें इलेक्शन के बाद देख लेते हैं इलेक्शन जो है वो मुल्क में कराते हैं आप इन, इन ये अलेक्शन कम्पेन के अंदर इन दोनों चीज़ों का जिक्र ना करें बाद में अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो फिर इन मामला को देख लेंगे तो सर दस्त इमरान खान इस बात के ऊपर भी राजी नहीं हुए पहले तो यह कहा जा रहा था ना कि आप माफ़ी मांगें और फ्लाह काम करें इमरान खान ने तो कहा था, था फिर तो आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने मेरी हुकूमत गिराई तो अब यह कहा जा रहा है कि आप अपना मौकफ इलेक्शन के अंदर ये सामने ना रखें पाकिस्तानी अवाम के इलेक्शन कराते हैं और उसके बाद फिर मामला को देखते हैं इमरान खान ने फिर वाज किया है कि पहले साफ और शफाफ इलेक्शन और उसके बाद फिर सब कुछ अब साफ और शफाफ इलेक्शन को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है डीलिमिटेशन दो हज़ार दो डीलिमिटेशन दो हज़ार अठारह डी 2022 पिछले साल हुई थी और डी 2023 अब 2022 की हो चुकी थी तो 2023 के अंदर क्या ज़रूरत थी मतनाजा मर्दम शुमारी के बाद ये हल्का साजी करने की और उनको हल्का बंदियों का नाम देने की मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि एक टर्म है जेरी मैंडरिंग के जिसके ज़रिए प्री पोल धाधली की जाए और ऐसी नशस्तों को तोड़ा फोड़ा जाए जहाँ पाकिस्तान तरीके साहब बासानी जीत सकती है इस हवाले से हम एक बाकायदा सिलसिला शुरू कर रहे हैं आपको याद है पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपका अपना यूट्यूब चैनल मेरा नहीं आपका अपना पाकिस्तान का वाद पहला और मुनफरद यूट्यूब चैनल जो इलेक्शन अमूर पर बात करेगा तमाम तर चीज़ें आप तक पहुँचाएगा तो इससे ये जो प्री पोल धांधली की जा रही है ये हल्का हल्काबंदियों के बाद इस पर पूरी तरतीब के साथ हम तमाम तरचीज़ें आपके सामने पाकिस्तान इलेक्शन सेल पर इन श्रा आइंदा चंद घंटों से रखने जा रहे हैं और कोशिश हम ये करेंगे कि वहाँ भी रेगुलर पाकिस्तान इलेक्शन सेल पर इंती अमूर के हाले से वीडियो आप तक पहुँचाते रहें अपना बहुत ख्याल रखिएगा दो में याद रखिएगा नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे अल्लाह ने